इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। पढ़ करके आ भर गए सरकार श्रीधाम अयोध्या। गुरु महाराज ध्यान में बैठे, कौन? विश्वामित्र बाबा। अखिया बंद किए, पता चला प्रभु अवतरे हरन मही भारा। मैं बहुत छोटा था जब बचपन में, एक दिन अपने बच्चे से कह रहा था कि देखो तुम लोग बहुत अच्छे हो। छोटा था तो मैं कीर्तन में जाया करता था, कीर्तन में। हमारे यहाँ कीर्तन बहुत होता है, अखंड कीर्तन 24 घंटे का। तो रात में कोई बच्चा बाहर रहे तो सुबह डटाई होती थी, बहुत गर्म हो गया मामला तो पिटाई होती थी। बचपन से आदत हमारी गई नहीं, लगी रही। भगवान जिसको जिस लिए भेजता है उससे वो काम चाहे जिस तरह से कराए भगवान करा लेता है। आप करो न करो भगवान निमित्त बना के आपसे करा लेगा। कहां बक्सर, कहां अयोध्या। बाबा विश्वामित्र जी ध्यान में बैठे और ध्यान में देख लिए कि प्रभु अवतरे हरन मही भार। भगवान किस लिए उतार लिए? मही भार उतारने के लिए, हरने के लिए। चले उनको ले आवे। चक्रवर्ती जी ने बुलाया नहीं, गुरु जी ने बताया नहीं, विश्वामित्र जी स्वयं आए। कहाँ आए? अयोध्या जी आए। चक्रवर्ती जी ने स्वागत किया, भोजन हुआ, विश्राम, राज सिंहासन पर पधराए, चारों बच्चों को लाकर चरणों में डाल दिए। पुनि चरणन मेले सुतचारी राम देखि मुनि देह। बुलाए गए। हर अच्छी वस्तु आप भी देखेंगे तो आपको भी लगेगा ये मेरे पास आ जाए। अब हर आदमी की दृष्टि अलग है, कोई माला चाहता है, कोई माल चाहता है, कोई सामान चाहता है, कोई घर चाहता है, कोई गाड़ी चाहता है, कोई घोड़ा चाहता है। जिसकी जैसी मति की गति हो वो उस प्रकार की वस्तु चाहता है। भक्त हैं विश्वामित्र जी, सोचे अब भगवान यहाँ क्या करेंगे, आए जिस काम से चले हमारे पास। अच्छा तो कोई भगत भगवान को कितनी तपस्या से पाए दूसरे को क्यों देंगे? तो भैया पहले तो बड़ा स्वागत हुआ, लेकिन जैसे ही विश्वामित्र बाबा ने कहा अनुज समेत देव रघुनाथा नित चर बदमय हो, चक्रवर्ती जी महाराज ने कहा महाराज आपने मांगा तो अच्छा लेकिन आपको बोलना नहीं आता, संभाल कर बात करिए। अरे कोष ले लीजिए, सेना ले लीजिए, प्राण ले लीजिए, लेकिन प्राण धन राम जी को मांग रहे हैं? अरे महाराज ये तो कोई बात नहीं भाई। अब देखिए हम ये नहीं जानते हैं कि हमको जो वस्तु भगवान ने दिया है वो किस लिए दिया है। हम ये अवश्य मानते हैं कि जो जो भगवान ने दिया है वो हमारे लिए दिया है। सहमत हैं आप मेरी बात से? लेकिन उसकी क्या योजना है, वो किस लिए दिया है, ये आप न बनाइए। आप बनाइएगा तो मुश्किल में पड़िएगा। उसकी बड़ी अलौकिक योजना है साहब। चक्रवर्ती जी महाराज गुरु कृपा से चार पुत्र पाए, लेकिन अब कह रहे हैं विप्रवचन नहीं कहू। पहले क्या बोल गए थे? क्या बोले हो? कहो कहो सुकरत ललाव। कहिए आप जो कहेंगे मैं देने में विलंब नहीं करूंगा। अब क्या कह रहे हैं कि आपने जब मैंने कह दिया तो मांग लीजिए, तो आपने रामे जी को मांग लिया महाराज, ये कोई बात है?
देखिए दो बात, हमारे एक बड़े महापुरुष हैं, उन्होंने एक दिन कहा कि प्रेम जी जीवन में दो बात का ध्यान रखें, अतिशय क्रोध में कोई निर्णय न लें और अति प्रसन्नता में किसी को वचन न दें। अतिशय क्रोध में कोई निर्णय न लें और अतिशय प्रसन्नता में किसी को वचन न दे, नहीं तो दोनों में फंस जाएंगे। क्रोध सात्विक निर्णय नहीं लेने देता है, इसलिए निर्णय लेना हो तो रात भर का समय लीजिए, अब कल इस विषय पर निर्णय होगा, तब तक आप ठंडे हो जाएंगे। चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं, महाराज कहिए कि कारण आगमन तुम्हारा, कहू जिसलिया पाए हैं सो करत न लाऊब बारा, विलंब नहीं करूंगा। और लोहा गरम था, तपाक से विश्वामित्र बाबा ने कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बदमय हो सनाता, देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुयस तुम कहूं बढ़ई इन कह यति कल्याण। आपका धर्म सिद्ध होगा, यश वर्धन होगा, इन बच्चों का कल्याण हो जाएगा। चक्रवर्ती जी महाराज ने कहा, बापे कल्याण करेंगे तो गुरु जी का करेंगे, ये बड़ा मुश्किल है। जैसे ही आदमी से मांगो आप दीजिए आपका कल्याण होगा, अच्छा आपे के पास ठेका है का कल्याण का, हम अपन करब, मांगे कि दुनिया भर का प्रवचन आदमी शुरू कर देता है। इसलिए भैया मांगो नहीं मांगो सो मरनो भलो, ठीक है जय जय सीताराम को। आप जिससे मांगिएगा रिश्ते खत्म हो जाएगा, मांगिए मत, लेकिन धर्म के लिए तो मांगना ही पड़ेगा, यज्ञ के लिए मांगना ही पड़ेगा, कथा के लिए मांगना ही पड़ेगा, मंदिर के लिए मांगना ही पड़ेगा, भगवान के लिए मांगना ही पड़ेगा, कोई दोष नहीं, अपने लिए मांगना नहीं थे ही, लेकिन परमार्थ के लिए तो मांगना ही धर्म है। बच्चे रामलीला कराते हैं, चंदा दो ले ले जाओ, कितना चाहिए 500, 500 ले जाइए, हमको जो दिया है उसको भगवान का समझो, और जब कोई भगवान के लिए मांगने आए तो मुंह मत बनाइए, चेहरा मत गिराइए। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुम्हुलानी, चेहरे की आभा उड़ गई चक्रवर्ती जी महाराज के, का सुनत राम जी को दीजिए, किस लिए यज्ञ रक्षार्थ दीजिए। अरे भाई यज्ञ से ही जब पाए हो देव महाराज, नहीं यहां बाबा कहते हैं देवी जीव का स्वभाव है, नहीं पाया तब तक भगवान का मानता है, मिल गया तो अपना मानता है, हाँ हाँ कौन भगवान दिए थे, बड़ी तपस्या की है, काहे के भगवान। थोड़ा कठोर हो रहा हूं, जो पाए हैं हम सब भगवान का, हमारा कितना, जितना तुम उपयोग कर ले रहे हो उतना तुम्हारा है, गांठ बांध लो गुरु भगवान के, जितना आप कर सकते हो घुसिया में करो, काशी में करो, जहां करना है करो, नहीं तो हमारे बात तो करने वाले बहुत हैं। ये चित्त में प्रेरणा बनी रहनी चाहिए कि हमको जो दिया है वो बहुत है तेरी मेहरबानी का, है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। कब मानिए, तो चक्रवर्ती जी महाराज हाथ जोड़ लिए नहीं दूंगा, तब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी की ओर विश्वामित्र बाबा ने देखा, समझाइए महाराज चेले को, तब गुरु वशिष्ठ भगवान ने समझाया, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा अनृप संते नास कह अति आदर
दो तनय बोलाए हृदय लाई बहु भांति सीखा। गुरु जी ने कहा राजन दीजिए राम जी को। विश्वामित्र जी महाराज राज ऋषि हैं, शिक्षा पूरी हो गई इनकी, अब इनको आयुध की दीक्षा प्राप्त करनी है। सो विश्वामित्र जी महाराज इनको देंगे। गुरुदेव की आज्ञा हुई, चक्रवर्ती जी प्रसन्न भाव से राम लक्ष्मण को बुलाए और भेंट कर दिए। माँ के पास गए, प्रभु सबको प्रणाम करते हुए गुरु जी के साथ चल पड़े। चलते 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 बक्सर के पास ताटक बनाया, जहाँ ताड़का मिली। ताड़का जा रही थी, जोर से चिघाड़ी, गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने दिखाया, चले जात मुनि दीन दिखाई, कौन ताड़का सुन ताड़का क्रोध करिधाई। गुरुदेव ने कहा राम जी मारिए इसको, ये बहुत अधिक मुनियों को खाई है। अरे भगवान ने एक बाण निकाला, धनुष पर चढ़ा दिया और एक ही पान प्राण हरि ले दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना। तब मुनि नाथ ही जिय जीनी, विद्या निधि कहो विद्या दीनी। जाते लागन छुटा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर पिके प्रभु निजयाश्रम, कंद मूल फल भोजन दीन भगति सात कहा। मुनि सन रघुराई निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारे आप रहे मख की रखवारे। मारी चन साचर कोई ले सहाय भावा, बिनु फरमान राम के मारा सत जो जना सागर पारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा अनुज निसाचर जगत सनारा। मारिय सुर द्विज निर्भयकारी स्तुति करहि देव मुनि धारी। मारिय तहाँ पुण्य कछुक दिवस रघुराया रे कहीं विप्रन परदा। गुरुदेव भगवान ने बलाति बला नामक विद्या दी, जिससे न भूख लगे न प्यास, आश्रम लाए, सब आयुध अर्पित कर दिया राम जी को। श्री रामार्पणमस्तु, कंदमूल फल खिलाए। श्राम प्रातःकाल गुरुदेव से निवेदन किया राम जी ने, निर्भय होकर यज्ञ संपादित हो। मारीच को बिना फर का बाण मारकर भगवान ने पंपा सरोवर के आगे भेजा। सुबाहु को अग्नि बाण से विध्वंस किया। लक्ष्मण भैया ने निशाचरी सेना का संहार किया, यज्ञ रक्षा हुई। अब भगवान कुछ दिन बाबा विश्वामित्र जी के पावन आश्रम सिद्ध आश्रम पर वास करते हैं, अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए। भक्ति है तो बहु कथा पुराना कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाने। कथा पुराण सत्संग होते होते समय का पता नहीं चलता है और भगवान में चित्त रमता है। हमारे आपके जीवन में यह सुखद घटना घटे कि हम भगवत कथा में रमते रमाते अपना समय गुजारें, जिंदगी छोटी पड़ जाए। भगवत चर्चा होगी तो समय छोटा हो जाएगा, पते नहीं चलेगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।